अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुसर्रत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या प्लान्स हैं आपके? आज संडे है और संडे वाले दिन सबका प्लान होता है, ठीक है। मैंने भी आज अपने प्लान में शामिल किया है चिकन रोस्ट। इसको स्टीम का टच भी दूंगी अपने तरीके से, ठीक है। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी और एक बहुत ही अलग टेस्ट आपको नज़र आएगा, और आप जब ट्राई करोगे आपको खाने में भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। ये आप चिकन देख रहे हैं, इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था। ये 1 किलो चिकन है और इसके मैंने जो है वो ये पीस करवाए हैं, बड़े पीस हैं। इसको कट लगा के इस पे मैंने लेमन अच्छी तरह लगा दिए। लेमन का जूस आप लगाएंगे, अगर आप सिरका लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन लेमन जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। इसको तकरीबन हम अब 15 मिनट के लिए रख देंगे, 15-20 मिनट के लिए, कि लेमन अच्छी तरह इसमें मर्ज हो जाए। फिर हम बाकी के जो अज्जा हैं, बाकी का जो पेस्ट है, इसको मैरिनेट करेंगे पेस्ट बना के अच्छे से। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर। जी दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं मैंने दही जो है उसको अच्छी तरह फेंट लिया। अब हम इसमें जो सारे अज्जा हैं इसमें ऐड करेंगे, ठीक हो गया। ये लहसुन है, अदरक है और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है जो इसके अंदर जाएगा। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें जो है वो देख सकते हैं आप, हल्दी है, नमक है, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, खुश्क धनिया है और गरम मसाला है, और थोड़ा सा घर का बना मसाला है, चिकन मसाला इसको बोलते हैं। तो मैं इसमें रेड मिर्च इस्तेमाल नहीं कर रही, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपने ऐड करना है उसमें आप जो कुटी हुई मिर्च है रेड, वो इस्तेमाल करें आप। अब ये सारे मसाले जो हैं अब इसमें हम ऐड करेंगे इस दही। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जी ये सारा मसाले जात हमने दही में मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें जाएगा ये पेस्ट आप देख रहे हैं, और अगर आप मेरा बकायदा चैनल देखते हैं तो मैं इसकी वीडियो भी आपको सेंड कर चुकी हूँ। ये सब्ज़ धनिया, उसमें खुश्क धनिया है, उसके अलावा ज़ीरा है और उस काली मिर्च है, उसको मैंने रोस्ट किया है तवे पे भून के, फिर इसका मैंने मसाला तैयार किया। अब ये भी इसके अंदर जाएगा। ये अच्छे से मिक्स हो गया। जी तो दोस्तों, ये हमारा पेस्ट, हमारा मवाद तैयार हो गया है। इसमें दही में हमने सारे मसाला जात ऐड किए हैं। अब हम इसको ये चिकन पीसेस में डालेंगे। ये देखें, मसाला आपको एक्स्ट्रा लग रहा होगा, ये जब हम इसको फ्राई करेंगे और इसका एक मसाला भी इसका तैयार होगा, ठीक है। इसमें अच्छी तरह मर्ज होगा, मैरिनेट करेंगे और फिर आप देखेंगे कि ये कितना ज़बरदस्त और कितनी ज़बरदस्त लुक देता है। जी ये देखें दोस्तों, मसाला मैंने पीसेस पे अच्छी तरह लगा लिए। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, ठीक है, और 2 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करते हैं। आप इससे ज़्यादा भी इसको रख सकते हो फ्रिज में, और अगर आपने सुबह बनाना है आप रात को भी कर सकते हो। मसाला जितना इसके अंदर मर्ज होगा उसका टेस्ट जो है वो उतना ही ज़बरदस्त आएगा, ठीक हो गया। अब आप जो है वो इसको मैरिनेट करने के लिए रख दें और फिर बाद में हम इसका प्रोसेस करते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं चिकन हमारा मैरिनेट हो गया। इसको मैंने 2-3 घंटे जो है वो मैरिनेट किया है। अब जो है इसको हम फ्राई करते हैं, ठीक है, रोस्ट करते हैं। अब ये तरीका देख लें आप, घी मेरा गरम हो गया है। उसको जो है ना वो बिल्कुल ज़रा घी गरम करके आंच हल्की कर देनी है।
जी ये देख सकते हैं आप, घी गरम हो गया है। ठीक है, कढ़ाई के चारों तरफ मैंने जो ऑयल है ना वो मैंने लगा दिया। ठीक है, अब जो है वो पीसीस अब हम इसमें रखेंगे आराम आराम से। ये जैसे मैरिनेट हुआ है इसको ऐसे ही हम बिल्कुल एहतियात के साथ, घी बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, ये देखो हल्की आंच पे हम इसको तैयार करेंगे। ये दूसरा पीस क्या है, अब हम इसको ढाँप कर एक साइड जब ब्राउन हो जाएगी, ठीक है, दूसरी साइड हम पलटेंगे, इसको हम जो है वो अच्छे से कवर करते हैं। जी ये तैयार होना शुरू हो गया है, अब हम इसको डाल देते हैं। ठीक है जी, ये देखें एक साइड से कलर चेंज हो गया है, हमने इसको पलटा है। अब जब दूसरी साइड से थोड़ा ब्राउन हो जाता है तो फिर जो है वो हम देखते हैं क्या क्या करना है। आप साथ रहिए, बहुत ही यमी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने जा रही है और आप देखेंगे कि आपको अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। जी ये देखें आप, दूसरी तरफ से भी तकरीबन हमारा चिकन फ्राई हो गया है। अब हम इसमें जो है ये मसाला ऐड करेंगे जिसमें हमने मैरिनेट किया हुआ था, ये मसाला इसके अंदर जाएगा। इसको अब हम डाम देंगे। इसको जो है वो अब स्टीम में पकने देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद जो है वो 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, इसको दोबारा से हम इसकी साइड पलटेंगे। एक्चुअली ये मसाला डालने का मकसद इसमें थोड़ा सा ये भी है, एक तो जो इसके साथ मसाला जो है वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है, अलग से हम नान के साथ रोटी के साथ खा सकते हैं, पीसीस के साथ। ये सिर्फ सिंपल पीसीस नहीं होंगे, आप देखेंगे ये एक डिफरेंट किस्म का हम रोस्ट तैयार कर रहे हैं। मेरी सिस्टर जो है वो एज ए गेस्ट आई हुई है अपने ससुराल से, उन्होंने फरमाइश की है, मैं उनकी फरमाइश पे जो है वो ये चिकन तैयार कर रही हूँ और उनको वो मसाला बहुत पसंद है। मेरे हाथ का ये जो चिकन स्टीम रोस्ट है वो बहुत बहुत शौक से खाती हैं, उनकी फरमाइश पे बना रही हूँ। देखते हैं आपको पसंद आता है, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। रेसिपी जो है ना वो कंप्लीट हो रही है, आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रोसीजर है। जी तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि हमारा चिकन तैयार हो रहा है ज़बरदस्त। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा है, जब वो अच्छी तरह मसाला जो है वो मर्ज हो जाएगा, भुन जाएगा, चिकन तैयार हो जाएगा, फिर आप देखिएगा ये कितना ज़बरदस्त और कितनी अच्छी लुक देता है। जी तो देख सकते हैं आप, कलर चेक करें कितना शानदार कलर है। मज़ीद आप इसको तैयार करते हैं। जी तो दोस्तों देख सकते हैं आप, सुपर फंटेस्टिक, लेकिन अभी ये तैयार हो रहा है, इंशाल्लाह जैसे ये कंप्लीट तैयार होता है फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। जी तो दोस्तों हमारा चिकन तैयार है, चिकन रोस्ट ये देखो बहुत ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, शानदार किस्म का जो है वो चिकन रोस्ट तैयार है, बहुत यम्मी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी तो दोस्तों हमारा चिकन रोस्ट तैयार है,
ये स्टीमी चिकन रोस्ट है, इसको स्टीम कर टच दिया है ढांप कर और मसाले के साथ। आपने देखा है, पूरी वीडियो आपने देखी हो। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह बना है और इसका टेस्ट कैसा है। ये इसकी लुक देखें, कितनी यमी है, कितनी ज़बरदस्त है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, और जब आप ट्राई करेंगे आपको एक डिफरेंट जायका जो है वो मिलेगा। मैंने इसमें कोई डिब्बे वाला मसाला इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इसमें कुछ भी स्पाइस ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, रेड मिर्च का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो जो लोग हाइजेनिक हेल्दी खाना खाना चाहते हैं वो इस डिश को ज़रूर ट्राई करें। अब नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला मैं हाज़िर होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।